हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट की। हमने सारा बेस बना लिया है बेटा बड़े क्वेश्चन का। आज बेटा अटेम्प्ट कर रहे हैं बड़े क्वेश्चन जैसे एडमिशन में करे थे। बस एक या दो चेंजेस होंगे छोटे मोटे बेटा, बाकी सारी बात सेम है। तो करते हैं बेटा स्टार्ट कंसेप्ट नंबर 38 के साथ। हम बात कर रहे हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 38 में एप्लीकेशन ऑफ ऑल कंसेप्ट्स फ्रॉम 32 to 37। बेटा मैंने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था कंसेप्ट नंबर 32 के साथ, और बेटा कल मैंने लास्ट कंसेप्ट कराया था 37। आज बेटा जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें सारे के सारे कंसेप्ट का यूज होने लगेगा। देखो बेटा, याद करते हैं कि हमने रिटायरमेंट चैप्टर में क्या क्या किया। बेटा सबसे पहले बाबू हमने बात करी न्यू PSR की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो न्यू PSR का हमें कभी कुछ करना नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये गेनिंग रेशो निकलवाएगा बेटा, और जैसे ही मेरे हाथ में गेनिंग रेशो आ जाएगी बेटा मेरी गुडविल की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बस इसका काम यही है बेटा, और इसका काम कुछ भी नहीं है। मुझे सही मायने में तो न्यू PSR चाहिए भी नहीं बेटा। मुझे तो गेनिंग रेशो कोई बता दे मैं तो गुडविल बांट दूँ, बस मेरी कहानी खत्म हो गई बेटा। ठीक है, मैंने कंसेप्ट नंबर 33 में इसकी चर्चा की है, 34 में इसकी चर्चा की है। कंसेप्ट नंबर 32 रिटायरमेंट के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कैसे हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हमने रीवैल्यूएशन की चर्चा की है, और ये चर्चा हमारी पुरानी थी बेटा, जैसी चर्चा हमने एडमिशन में की थी। उसके बाद बेटा मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस की चर्चा की है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस की चर्चा की है, ये भी हमारी चर्चा पुरानी थी बेटा जैसे एडमिशन में की है। अब बेटा इन सारी चीज़ों का यूज़ एक ही बेटा क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि बेटा मैं क्या क्या प्रिपेयर करने वाला हूँ। एक तो प्रिपेयर करने वाला हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक मैं बेटा बनाने वाला हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटा हम चर्चा करने वाले हैं बैलेंस शीट की। लो बच्चों, बेटा बदल क्या जाएगा, सिर्फ एक चीज बेटा, मैं तीनों के तीनों अकाउंट को, सॉरी दो अकाउंट और एक बैलेंस शीट को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करूंगा। सारी एडजस्टमेंट की डबल 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 पोस्टिंग करते चलेंगे बेटा। बाबू रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, लॉसेस आए तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, पुरानी बात। बदलेगी सिर्फ एक चीज बेटा, मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास ओल्ड पार्टनर है एक्स वाई और जेड। एडमिशन के टाइम पर मैं क्या करता था, क्लोजिंग कैपिटल निकालता था, लिखता था टू बैलेंस कैरेट डाउन, ऐसे ही करता था। अब बेटा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बैलेंसेस फर्दर नहीं जाएंगे, होगा क्या बेटा ऐसे केसेस में, मान लो वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर, तो बेटा एक्स और जेड का तो मैं बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करूंगा, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन वाई का क्या करूंगा बेटा, वाई की से जो भी हमारी अमाउंट ड्यू है देनी बेटा, उसको मैं वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे तब तक क्या होगा बेटा, देखो वाइज द रिटायरिंग पार्टनर, अब मुझे तो उसको पैसे देने हैं, मेरी तो पार्टनरशिप फर्म को उसको पे करना है, ठीक है ना। जब तक मैं पे नहीं करता तब तक के लिए ये अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और ये लोन अकाउंट कहां चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में चला जाएगा वाइज लोन के नाम से। बस सिर्फ एक चेंज है। अगर क्वेश्चन कभी कह दे कि ये अमाउंट को यहीं पे कर दो, खत्म करो वाई का जितना भी बैलेंस है,
तो लिख दूंगा टू बैंक खत्म या टू कैश खत्म। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तब तक तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बाकी मेरे लिए तो क्वेश्चन सुप्रीम है बेटा। क्वेश्चन ने अगर कह दिया कि आज ही वाई के लिए जितना भी बैलेंस है आपका देकर खत्म करो, तो मैं लिख दूंगा टू कैश या टू बैंक, और बेटा कैश या बैंक से पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, अब उसका कोई रोल नहीं रह गया बेटा, उसकी कैपिटल निकालने का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता बेटा, अब वो बैलेंस शीट में पार्टनर नहीं रहा बेटा, तो बेटा इसलिए उसकी कैपिटल भी दिखानी नहीं है आपको क्लोजिंग कैपिटल में। मैंने आपको कहा था सिर्फ दो ही चेंज होंगे, एक चेंज ये रहा और एक चेंज ये रहा, बस दैट्स इट, बाकी सारी बातें पुरानी है बेटा। ठीक है जी, आज कम से कम दो क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़े स्पीडी चलेंगे बेटा क्योंकि ये बातें हमारी पुरानी है। दो क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक और फिर बेटा एक से दो क्वेश्चन रोज होमवर्क करते चलेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के साथ ही। चलो जी बेटा आप फटाफट से बुक निकाल लो, पेज नंबर 6.59 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, पढ़ने में टाइम ज़्यादा और बेटा लिखने में टाइम कम, ऐसा हो सकता है बीच में से मैं कोई एडजस्टमेंट आप में से किसी से पूछ लूँ, क्योंकि बेटा सारी बात पुरानी है, मुझे पूछनी भी चाहिए आपसे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो ऑफ 2:2:1। एक्स वाई जेड पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2021 वॉज। बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया बैलेंस शीट हमें बहुत सारी चीज़ें देकर जाती है सही मायने में, और सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम्स को हम खत्म करते हैं। कुछ भी ना दे तो ओपनिंग कैपिटल जरूर देगी, लाइबिलिटी साइड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखे होते हैं, एसेट साइड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस लिखे होते हैं, एसेट साइड बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल भी लिखी हो सकती है बेटा किसी क्वेश्चन में। तो बेटा बैलेंस शीट को बड़े पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर एंड रिजर्व्स, और बेटा कैपिटल दी है एक्स वाई जेड की, यानी कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा जिसका नाम रिजर्व है। एसेट साइड कैश डेटर स्टॉक बिल्डिंग पेटेंट, बेटा एसेट साइड ना तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं ना ही कोई गुडविल गिवन है, ठीक है ना। बढ़े आगे चलो, वाई रिटायर्ड ऑन 1st of April 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा वाई चला गया है, क्या इसने बताया नहीं पी एस आर क्या है, नहीं ये नहीं बताया, चलो कोई दिक्कत नहीं चलते चलो। बेटा ए पार्ट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000 एंड वॉज नॉट टू अपियर इन द बुक्स। कहता है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 70,000 है और गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है, तो हम कौन सा दिखाने वाले हैं बेटा। गुडविल का काम क्या है बेटा, सिर्फ कंपनसेशन कैलकुलेट करना और वाई को जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन देना, खत्म कहानी आगे बढ़ो। कहता है बैड डेट ऑफ 2,000 बट टू बी रिटर्न ऑफ, बेटा 2,000 रुपये के बैड डेट हुए हैं, चलो जी दिखा देंगे। आगे बोलता है पेटेंट वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं बची है, यानी कि एक एसेट है हमारे पास पेटेंट कहता है उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, वो वैल्यू लेस है, ठीक है जी। आपको क्या कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। मैं नहीं समझ सकता इससे टुच्चा कोई क्वेश्चन हो सकता है करने के लिए हमारे लिए। लो जी देखते हैं बेटा हम कितनी जल्दी कर पाते हैं, सारी की सारी बात स्पीड पर है बेटा। अगर हमें पेपर पूरा करना है अकाउंट्स का तो ऐसे क्वेश्चन में 15 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए, जिसमें मेरा मानना यह है 15 में से कम 3 मिनट आप पढ़ने में लगाओगे, ठीक है ना, और कम से कम 2 मिनट फॉर्मेट में जाएंगे आपके, बाकी 10 मिनट है। अब बेटा ये 10 मिनट की जगह देखते हैं कौन कर पाता है। लो जी बाबू मैं फ्री हैंड बनाता हूँ फॉर्मेट, पेपर में आप ये गलती कर नहीं सकते, ठीक है ना, मैं स्केल से नहीं बनाता हूँ लेकिन आपको स्केल से ही बनाकर चलना है।
बेटा फॉर्मेट रेडी है मेरी तरफ से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वर्किंग नोट। सबसे पहला काम ये कर लेना, वर्किंग नोट लिख लेना। जैसे ही कोई आइटम आएगी जो कहीं पर भी नहीं जाने वाली होगी, उसको हम वर्किंग नोट में सोल्व करेंगे। जैसे कि गेनिंग रेशो का काम हो सकता है कई बार, ठीक है ना बेटा। अब बाबू क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करते हैं, यही सीखा है बेटा आपने आज तक मुझसे। लो जी बेटा, तो बाबू सबसे पहले मैं बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन कर रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। लो जी, एक्स का बैलेंस 82, 60 एंड 75,500। बढ़ो आगे बेटा, रिजर्व्स। बेटा बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिए गए हैं, रिजर्व्स को मुझे बांटना है ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो, बाय रिजर्व्स। बेटा तीनों ओल्ड पार्टनर है, वाई जब चला गया तो नए पार्टनर एक्स और जेड रह गए, लेकिन यहां पर तीनों ही ओल्ड पार्टनर हैं। और बेटा ओल्ड रेशो है 2:2:1, दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, मुझे 18,500 को बांटना है 2:2:1 में। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैंने कैलकुलेट कर लिया अपनी तरफ से 2:2:1 में मैंने रिजर्व्स को बांट दिया। चलो जी बेटा, बाबू और कोई भी चीज मुझे बैलेंस शीट से पता नहीं लग सकती, तो बैलेंस शीट को मैंने छोड़ दिया। आगे बढ़ो, बोलता है वाई रिटायर हो गया, कि क्या कहीं कोई न्यू PSR का जिक्र है, नहीं है बेटा। अगर सिर्फ इतना बोला कि वाई रिटायर हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा ये रेशो खत्म हो जाएगी। That means new PSR is 2:1. X और Z की new PSR as well as the gaining ratio is 2:1. ठीक है ना, gaining ratio भी तो 2:1 ही होगी ना बेटा। तो बाबू हमारे पास gaining ratio आ चुकी है, gaining ratio का काम क्या है बेटा, goodwill को compensation को बटवाना, ठीक है ना जी। और मेरे को पहले ही पॉइंट में बोलता है कि फर्म की goodwill 70,000 रुपये है बेटा, फर्म की गुडविल 70,000 रुपये है ना बेटा। लो फर्म की गुडविल 70,000 है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/5, दैट सिंपली मींस बेटा वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 28,000 बेटा। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर वो हमेशा होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है हमेशा ही आपके लिए छोड़कर जा रहा है, जब वो जा रहा है तो बेटा एक्स और जेड के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तो बेटा क्या होगा, X और Z दोनों गेन कर रहे हैं या 2:1 में, ये दोनों मिलकर देंगे उसको 28,000 रुपये। देखो बाबू मैं बोलता हूं अगर ये एंट्री को आप सोच सकते हो तो आपसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, और अगर नहीं सोची जा रही ना, इस एक एंट्री का रिस्क मत लेना, कर लेना रफ में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पोस्टिंग में आप प्रॉब्लम कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट भी बेटा पॉइंट्स में जा रही है, ठीक है ना। मेरा मानना है बेटा रफ में जल्दी जल्दी लिख लो, ये सिर्फ इतनी बात लिख, सिर्फ इतनी बात लिख लो, कुछ नहीं लिख सकते। तो वाई रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है ना बेटा, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, मैंने उसकी कैपिटल बढ़ा दी। आप दोनों गेन कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल को चुपचाप से कम करवा लो, ठीक है ना। हमें वाई को 28,000 पे करने हैं इन द रेशो ऑफ 2:1, यही करना है ना बेटा। तो देखते हैं बेटा 2:1 कितना आता है, लो जी मैंने पहले ही कहा था ये आंसर कहीं ना कहीं घूमेगा बेटा। तो बाबू इसकी एंट्री कर लेना सेफर साइड, सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं सोचा जा रहा तो एंट्री कर लो बेटा। अब बेटा मैं एक्स और जेड के अकाउंट में एंट्री करने वाला हूँ और वाई के अकाउंट में एंट्री करने वाला हूँ बेटा। अब आप खुद समझो ये तीनों पार्टनर कैपिटल है, यानी कि यहाँ पर होने वाली है एडजस्टमेंट। बेटा कैसे लिखूंगा, आप सोचो बेटा कैसे लिखूंगा, 2Y is capital account बेटा, X के सामने X की फिगर, Z के सामने Z की फिगर। लो प्यारे बच्चों, X के सामने X की फिगर, Z के सामने Z की फिगर। लो जी, और बेटा अगर आप सोच सकते हो, मैं तो कहता हूं बहुत आसान है, X और Y दोनों गेनिंग पार्टनर है, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम करनी है क्या करो बेटा, ये क्रेडिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की, ये डेबिट साइड होती है। कल भी बोल रहा था एक अकाउंट में बेटा, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है बेटा,
कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ानी है क्रेडिट कर दो, कम करनी है बेटा डेबिट कर दो। तो मैंने तो डेबिट करनी है बेटा, लो मैंने कम कर दी एक्स और जेड की कैपिटल। बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल को बढ़ाना है तो लिख दो बेटा बाय एक्स एंड बाय जेड। बेटा 1866793333, या अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो बाय एक्स एंड जेड इकट्ठा लिख दो 28,000। ठीक है ना, वैसे करना ऐसे ही चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना जी। तो मैंने पोस्टिंग कर दी बेटा, जब मैं एक्स और जेड के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा था, कैसे पोस्टिंग होती है, हमेशा सामने वाली साइड की। तो मैंने नाम लिखा 2y, एक्स के सामने एक्स की अमाउंट, जेड के सामने जेड की अमाउंट। जब मैं वाई के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा था, क्या लिखना है, सामने वाली साइड, तो मैंने सामने वाली साइड लिख दी बेटा। मुझे पता है सिर्फ एक एंट्री गड़बड़ करा सकती थी इस पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ ये, और कोई एंट्री गड़बड़ करा ही नहीं सकती आपसे कुछ, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे। बैड डेट 2000 रुपए के हैं बेटा, क्या करूं, डेटर को 2000 रुपए से कम कर दूं बेटा, ठीक है ना, लिख दूं। लो बेटा डेटर को कम करना है, एसेट को कम करना है, क्या एंट्री होगी, रीवैल्युएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो जी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और मेरा मानना हमेशा से ये है अगर एक साइड आपने एंट्री कर दी तो बैलेंस शीट ढूंढते रह जाओगे कि मैंने क्या गलती करी। हाथ तो हाथ दूसरी साइड भूलने का मौका भी मत दो अपने आप को बेटा। डेटर बुक्स में 19,000 के हैं, 2000 रुपए का प्रोविजन, बैलेंस वुड बी 17,000। पेटेंट आर वैल्यूलेस, कितने के पेटेंट है बेटा, 9,000 रुपए के, कहता है वैल्यू जीरो करनी है। एसेट को कम करना है, अगेन कर दो जी कम, कर दिया जीरो मैंने। अब बैलेंस शीट में लिखना चाहो पेटेंट 9000 माइनस रीवैल्यूएशन 9000 जीरो, मैं तो कह रहा हूं लिखो ही मत, उससे बेटर है, ठीक है ना, क्यों टाइम खराब करना, ठीक है ना। अगर दूसरी जगह पोस्टिंग करने का शौक चढ़ा ही है, लो कर लो, टाइम खराब होगा बस, इससे और कुछ नहीं होगा। पेटेंट 9000 माइनस रीवैल्यूएशन 9000 जीरो होगी दूसरी जगह पोस्टिंग। क्वेश्चन खत्म करें जी फटाफट से। लो अकाउंट क्लोज करते हैं बेटा बहुत तेजी के साथ। लो प्यारे बच्चों, बेटा हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। हाईएस्ट टोटल यहां पर तो बेटा 11,000 है, रीवैल्यूएशन का लॉस आया क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो बेटा रीवैल्यूएशन का लॉस किस में बटता है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है यहां पर, एक्स और जेड, एक्स वाई, और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। चलो जी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुक्र है इतना तुम सोच सकते हो, ठीक है ना बाबू। एक्स वाई और जेड में बांट रहा हूं 2:1 में, फटाफट से कैलकुलेट कर लिया है मैंने। कैलकुलेशन अगर मन में हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने कैलकुलेट करा, अब क्या करूंगा इसकी डबल पोस्टिंग, ठीक है ना बेटा। रीवैल्यूएशन के लॉसेस क्या करेंगे, आपकी कैपिटल ही कम कराएंगे, सोच सकते हो तो, और नहीं सोच सकते हो बेटा इसकी पोस्टिंग कहां होगी, अपोजिट साइड ही होगी टू रीवैल्यूएशन। 4400 and 2200, बात समझ में आई बेटा। अब मेरे को ये अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन मैंने बोला है हमने दो चीजें नहीं करनी है रिटायरमेंट में बाबू। बैलेंस सीडी निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, लेकिन किस पार्टनर के रिस्पेक्ट में, जो बेटा रिमेनिंग पार्टनर है, और जो पार्टनर चला गया उसका क्या, उसकी अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यही सीखा है ना बेटा। लो बाबू पहले बैलेंस सीडी वर्ड नहीं आएगा बाबू, एक लाइन छोड़कर लिखना चाहो लिख दो। मेरे लिए तो बेटा सबसे पहले वाइज लोन ही लिख दो चुपचाप, वाइज लोन अकाउंट, और फिर लिख दो बेटा बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। चलो जी अब बाबू अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं, पार्टनर कैपिटल भी, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड, ठीक है ना जी। करो जी हाईएस्ट टोटल, लो जी वाइज लोन का बैलेंस आ गया 91,000, ठीक है ना बेटा।
मैंने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया बेटा, और यहां पर जैसे बैलेंस सीडी निकालता था बिल्कुल वैसे ही निकाला, बस नाम ही चेंज किया मैंने, ठीक है ना। नाम मैंने वाइज लोन कर दिया बेटा। अब बाबू एक्स का और जेड की क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। चलो जी आप निकाल कर देख लेना, मैंने मेरे को लगता है मैंने ठीक निकाला होगा, गलती नहीं हुई होगी। चलो जी तो बेटा सबसे पहले मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, ठीक है ना। एक्स का और जेड का कैपिटल का बैलेंस 66333 67667। वाई इज लोन अकाउंट 91,000। अब बेटा वो एसेट वो लायबिलिटी जरूर लिख लेना जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है ना। देखते हैं बेटा क्या कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी भी है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बाबू क्रेडिटर हैं आपके पास 49,000 के, क्रेडिटर्स 49,000 के, दैट मींस लायबिलिटी साइड का टोटल तो 274,000 आ रहा है। देखते हैं बेटा हमारा आंसर सही है क्या, मेरे को तो ठीक लग रहा है बेटा। लो जी बेटा डेटर बाद में है सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कैश जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। डेटर की एडजस्टमेंट मैंने कर दी, स्टॉक और बिल्डिंग भी लिखना है बेटा। स्टॉक 42 और बिल्डिंग 2,07,000। बेटा आंसर सेम आ रहा है 2,74,000। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो बाबू आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हमने कर लिया, पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करेंगे, मैंने पहले ही कहा है बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता मेरे को इसको नोट करने का कोई टाइम देना है आपको, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे रूंगे में बेटा। चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। कनिका दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1:1 ऑन 31st of March 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000, EPF दैट मीन्स एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 47,000। क्या करूंगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, क्या करना है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का बेटा, कुछ भी नहीं करना। पता है ना ये अमाउंट पार्टनर को बिलोंग नहीं करती बेटा, ये अमाउंट किसकी है, उन एम्प्लॉयज की बेटा जो आपके यहाँ पर रिटायर होकर जाएंगे, ये उनको देनी है आपने, ठीक है ना बेटा। और ये पूरी जिंदगी आपकी लायबिलिटी है, ये कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, ठीक है जी। बेटा कनिका दिशा और कबीर की कैपिटल दी हुई है ओपनिंग कैपिटल, पहली काम की इंफॉर्मेशन मुझे मिली। एसेट साइड बैंक डेटर स्टॉक फिक्स एसेट्स एंड P&L का डेबिट बैलेंस, तो बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, पार्टनर की कैपिटल को कम कराएगा, कर देंगे। चलो जी बढ़ो आगे। कनिका रिटायर्ड ऑन 1st of April 2016 फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। बेटा कनिका रिटायर्ड हो गई है, ठीक है ना, और कुछ एडजस्टमेंट उसकी रिटायरमेंट पे एग्री हुई है, म्यूचुअल कंसेंट से एग्री हो गई है। पढ़ते हैं बेटा क्या हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement, the profit for the year 2013-14 1,14,15 1,30,000। कमाल की एडजस्टमेंट दी बनाने वाले ने, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन देख करके, ऐसा भी सोच सकता है ये बेटा। देखो मैं आपको एक मिनट मेरी तरफ देखना, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसने करा क्या। इसने बोला जो हम गुडविल निकालेंगे ना वो 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसने बोला डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक कर लो क्या है बेटा, क्या है डेट ऑफ रिटायरमेंट, 1st of April 2016, यही है डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसने कहा पिछले 3 साल का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो होगा हम उसकी एवरेज लेने वाले, यही बोला ना इसने। और उसका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे एक बोला इसने। और मुझे जो प्रॉफिट दिया ना इस साल का दिया और इस साल का दिया, ढंग से देख लो, 2013-14 का दिया, 14-15 का दिया, 15-16 का दिया नहीं है।
तो ना दे भाई क्या हो गया, बैलेंस शीट में लॉस पड़ा नहीं है क्या एसेट साइड? ये मत पूछना कि तीसरे साल का प्रॉफिट कहां है, 15-16 की बैलेंस शीट नहीं दी क्या आपको बेटा? बैलेंस शीट दी है ना जो 31st of March 2016 को एंड हो रही है, एसेट साइड दिखाई दे रहा है ना पीएनएल का डेबिट बैलेंस, दैट मींस ये लॉसेस हुए होंगे उस साल। समझ आई ना बात? इतना अच्छा सोच सकता है तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे को तो लगता है पेपर मुश्किल होना चाहिए। चलो जी, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, गालियां दे लो दे लो, थोड़ी सी दे लो। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख रुपए तक लेकर आना है, ठीक है जी। स्टॉक की वैल्यूएशन 120% करनी है बेटा, यानी कि 20% बढ़ानी है, बढ़ा देंगे जी। द अमाउंट पेबल टू कनिका वास ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, कनिका को जो पैसे देने हैं कहते हैं कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, नहीं भी कहता तो हम यही करते थे। वाय से जो भी हमने अमाउंट देनी थी बेटा, हम वाय को भी तो उसके लोन अकाउंट में ही दे रहे थे पैसा, ये करने को कहता है। और आगे बोलता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, ये तो हमारी फेवरेट है बेटा। लो प्यारे बच्चों, चलो जी अब एक काम करते हैं बेटा, आप क्वेश्चन खुद से कर रहे हो अपनी कॉपी में और मैं बोर्ड पर कर रहा हूं, जो आपको समझना है वो मीट आउट कर लेना, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, आप मेरा सॉल्यूशन मत देखना, मैं आपका नहीं देखूंगा, ठीक है ना बेटा? नहीं मैं तो आपका देखूंगा, मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं तो देखूंगा बेटा। लो जी, बस आप मेरा नहीं देख सकते। लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करना तीनों का, और फिर नीचे वर्किंग नोट लिखना, फिर स्टार्ट करना क्वेश्चन। हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3-1। मैं तो कह रहा हूं बाबू आज रेस लगा लो तुम, बस राहुल रेस लगा ले यार तू, आज बता लगाएंगे राहुल रेस, बचपन में लगाते थे। लो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। उसके बाद बेटा मैं लॉसेस को बांट दूंगा, लॉसेस पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे बेटा। 20,000 के लॉसेस हैं, मुझे बांटने हैं बेटा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो बेटा अमाउंट वुड बी 10,000, 5,000 एंड 5,000। लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो बेटा बोलता है क्वेश्चन में कनिका रिटायर्ड हो गई, ओल्ड पार्टनर की रेशो है बेटा कनिका दिशा और कबीर की 2:1:1, और अगर कनिका रिटायर्ड हो गई है बेटा दैट मींस मेरे पास न्यू रेशो एज वेल एज द गेनिंग रेशो वुड बी इक्वल, गेनिंग रेशो आएगी बेटा 1:1। क्वेश्चन कहता है गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है बेटा। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट
फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख, सेकंड ईयर का है 1,30,000 एंड थर्ड ईयर का है बेटा 20,000 के लॉसेस। और बेटा ये सबसे काम की बात है, ये 20,000 के लॉसेस कहाँ से आए हैं बेटा? ये बैलेंस शीट से आए हैं बेटा, और मैं इनकी एवरेज ले रहा हूँ। दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट वुड बी 70,000 और गुडविल क्या होगी बेटा? 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स बेटा गुडविल अमाउंटेड टू रुपीज 1,40,000। ये फर्म की गुडविल है बेटा। कनिका का शेयर कितना है? कनिका का शेयर है बेटा 2/4। दैट मीन्स कनिका का गुडविल में शेयर है 70,000 रुपये। और इसको कैसे देंगे बेटा पार्टनर? बराबर बराबर गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो 1:1 है, यानी कि दोनों 35,000 देंगे। तो इनकी कैपिटल को 35,000 से कम कर देना टू कनिका। मैंने 35,000 से कम कर दिया है बेटा। मैं मन में सोच सकता हूँ, आपसे सोचा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बेटा रफ में एंट्री कर लेना इसकी। लो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख तक लेकर आना है, जबकि पुरानी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000 की हैं। तो बेटा मुझे फिक्स्ड एसेट्स को 60,000 से बढ़ाना है, एसेट बढ़ानी है। एंट्री होगी बेटा फिक्स्ड एसेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इसकी पोस्टिंग रीवैल्यूएशन में बाय साइड में कर दूंगा। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 60,000 मैंने बढ़ा दी। बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। नेक्स्ट वन बेटा बोलता है स्टॉक की वैल्यू 120% करनी है बेटा, यानी कि स्टॉक को 20% बढ़ाना है। बैलेंस शीट में स्टॉक 1 लाख है, 20% बढ़ाना है, दैट मीन्स 20,000 रुपये से बढ़ाना है। तो बेटा बढ़ा दो स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और बेटा रीवैल्यूएशन में बाय साइड एंट्री हो जाएगी। बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना बेटा स्टॉक अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। बेटा कहता है अमाउंट पेबल टू कनिका वास ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, कर देंगे बेटा। लो जी बाबू रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, बांट दो बेटा ओल्ड पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशियो। तो मैं बेटा बांट चुका हूं प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। चलो जी बेटा इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो बाय रीवैल्यूएशन 40,000, 20,000 एंड 20,000। बेटा कनिका रिटायर हुई है तो कहता है इसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बेटा कर दो टू कनिकास लोन अकाउंट। लो जी और बाकी बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। बाबू कैपिटल अकाउंट बी क्लोज करेंगे, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन आ बोथ साइड। तो कनिका के लोन अकाउंट में बैलेंस आया है 3 लाख, और बेटा बाकी बैलेंस सीडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं दोनों पार्टनर के लिए। ये बेटा मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। लो जी इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करो, कैपिटल अकाउंट दिशा एंड कबीर 80,000 एंड 60,000, दैट मीन्स 1,40,000। और बेटा कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख। चलो बेटा अब वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी लिखना मत भूलना बेटा जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर 53,000, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 47,000। एसेट साइड बैंक बैलेंस 60,000, डेटर्स
60,000 स्टॉक लिख दिया, फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया बेटा। चलो जी टोटल क्या आएगा बेटा, टोटल देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। टोटल आ रहा है बेटा 5,40,000 इस एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है 5,40,000। दैट मींस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश हो जाता है। तो बेटा आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बाय बाय।